सो हेलो एवरीवन, देखो मेरा बेटू कहाँ चढ़ गया। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ मेरा बच्चा, नीचे आ जाओ, आ जा नीचे, गिर जाएगा। हाँ तो फंस गए पैर, अब आना भी है और नहीं भी आना, पैर फंस जाते पर्दे में। आ जा मेरा बच्चा आ गया। मैं तुझे किच्ची नहीं करूंगी, इसने अभी हरी मिर्ची खाई है, इसका मुंह है ना मिर्ची वाला हो रहा है। मैं नहीं करूंगी, वो करू जो किस करने के लिए कर रहा है। किच्ची करू मिट्टू को, ला कर लो, ला ठीक है ठीक है। ये कौन है बोलो शांत्र, ये कौन है? मेरा चोचा बिंदी नहीं, बिंदी नहीं खाना, बिंदी नहीं खाना। मैं तो पिच्ची कर दू, मैं तेरी मम्मी पिच्ची कर दू, मैं तेरी अपने बेटों की पिच्ची कर दू। नक्का फुल खा ले, बिंदी नहीं मिलेगी, ये खा ले, नहीं खाना, नहीं खाना है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, यहाँ बैठ जा, चल चल अपने पिंजरे के ऊपर। और ये हमारे मिट्टू जी का घर है, मिट्टू जी हमारे इस पिंजरे के ऊपर यहाँ बैठते हैं। इसे मुंह का को फाड़ लेता, कौन तुझे मार रहा है? सो लो हमारा दिया बढ़ रहा है। सो अभी अभी बस मैं पूजा करके गई हूँ। हाँ सो बस अभी पूजा करके गई हूँ, पूरा मंदिर आज मैंने साफ किया, वीडियो शूट नहीं की, यहाँ पूरी हर चीज साफ की और सारा चीज मैंने यहाँ निकाल के इधर रखी है, कुछ इधर रखी है, उनको करूंगी बाद में सेट, क्योंकि अभी ना मैं जा रही हूँ खाना बनाने, पहले चप्पल पहनू पैर में। हाँ किचन में जा रही हूँ, पहले मोलू को दूध दूंगी और आज ना मुझे वीडियो शूट करनी है अपनी मेकअप की। पता है मेरे उस चैनल पे व्यूज आए ना आए मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन सच बताऊं मुझे ना मेकअप की वीडियो बनाने में बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और डिफरेंट डिफरेंट लुक अपना खुद का देखने में मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरी शादी पे भी ना ढंग से मेकअप नहीं हुआ था मेरे फेस पे, तब मैं इतना जानती नहीं थी और मेरी शादी भी अहमदाबाद छोड़ के कहीं और छोटे से यानी शहर से, वो शहर ही कहा जाएगा, मुरैना शायद आप लोगों ने सुना होगा, एमपी का मुरैना शहर, वहां से हुई थी। तो मैं वहां के बारे में कुछ जानती नहीं थी कि वहां पे कैसे पार्लर है क्या है। शादी के 10 दिन पहले मैं वहां पे 10-15 दिन पहले मैं वहां पहुंची थी, उस मार्केट के बारे में मैं क्या जानूं। मेरा मेकअप है ना, ये मान लीजिए कि उससे अच्छा मेकअप था ना मैं मेरे घर में करके घूमती हूँ नॉर्मली, बस उससे ना मेकअप वाली ने लाइनर लगा दी थी, फाउंडेशन लगा दिया था, लिपस्टिक लगा दी थी और बोला आपका मेकअप हो गया और मेरी आंखें बंद करके बिठा दिया था। मैं तो जानती भी नहीं थी तब कि क्या क्या चीजें मेकअप में यूज होती हैं, 11 साल पहले की बात है यार, तो इतना जानती नहीं थी। लेकिन अब मैं अपने आप को जब है ना इस सारे लुक में देखती हूँ ना, खुद वो लुक क्रिएट करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वही खुशी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आप लोगों को मेरी मेकअप की वीडियो भी अच्छी लगती है और मेकअप पे मेरा लुक भी बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोग मैंने ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया और मोलू साथ ही साथ उनका सारा प्रसाद ले आया, सारा ले आया ना, थोड़ा भी नहीं छोड़ा ठाकुर जी के लिए। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए मिश्री, ठाकुर जी की जय, राधा रानी की जय। तो जल्दी जल्दी घर के कामों को कंप्लीट करूंगी, फिनिश करूंगी, थोड़ा सा अपना फेस सुधारूंगी, उसके बाद है ना आज मुझे आप लोगों को अपनी बहुत सारी मेकअप की शॉपिंग दिखानी है। मैं बहुत दिनों से दिखाना चाह रही थी लेकिन कुछ चीज़ें ना मेरी ऑनलाइन से आने वाली थी, इस वजह से मैं रुकी हुई थी। सो फटाफट से काम करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कहा बोला मेरा मिट्टू? मेरे ऊपर चढ़ के मिट्टू बैठ गया है। मिट्टू आज नीचे आ जा, नीचे आ जा, वो ऊपर चढ़ के बैठ गया है। तो आज है ना व्लॉग तो मैं रोज ही आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ अपनी ये शॉपिंग की वीडियो, जो कि मैंने की है लोकल मार्केट से भी की है, कुछ मैंने ऑनलाइन भी की है। तो अब मैं सोच रही हूँ कौन सी आपको दिखाऊं, तो चलो जो जो मेरे सामने आती जा रही है मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। और मोस्टली ये सारी शॉपिंग जो है ना मेरी वो है मेकअप के चीजों से रिलेटेड, यानी मेकअप की चीजों की है। बोली शांत हो जा, अभी बोलना शुरू कर देगा, शुरू। हाँ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जो जो प्रोडक्ट मेरे सामने आते जा रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और आज है ना बाइक की गाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि मैं अपने बाहर वाले रूम में बैठी हूँ
और वहां पर ना ये मानिए कि एक तरह से सड़क ही है। सो उन सब आवाजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, घर छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये कंसीलर पैलेट, और इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर है ना इस तरह से, देखिए मैंने अपनी वीडियो में इसको यूज भी किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ मेकअप अपने, जब मैं मेकअप क्रिएट करती हूँ तब। तो ये सारे इसमें कलर कैरेक्टर भी मिल जाते हैं, कॉन्टोरिंग भी मिल जाती है, और इसके साथ में ये चार कंसीलर भी मिल जाते हैं। सो कंसीलर वो तो स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं ये सारी चीजें, और है ना ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इनसे दो मेकअप क्रिएट किए, मुझे ये ना प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और इसकी प्राइस है 319 रुपीज का ये है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा। सेकंड में लेकर आई हूँ कुछ, सॉरी ये है रेवोल्यूशन का जो आई पैलेट होता है ना वो है। इसके अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंट से शेड हैं, कुछ डार्क भी है कुछ लाइट भी है। तो एक ही रेवोल्यूशन का है, और इसका कवर है ना वो शायद मैंने फेंक दिया। और ये कितने का है, 1050 का है, ये रेवोल्यूशन का बहुत महंगा है, और मैंने उसे अभी तक यूज भी नहीं किया है। देख सकते हैं आप ये लगी हुई है, यूज नहीं किया, बस खोल के देखा था। और इसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये बेस होते हैं ना जो, तो ये स्विस ब्यूटी के मैं 3 बेस लेकर आई हूँ, तो इससे हम अपना है ना मेकअप का जो बेस होता है ना वो बना सकते हैं। तो ये 3 बेस लेकर आई हूँ मैं स्विस ब्यूटी के, ठीक है। और इसकी एक बेस की प्राइस क्या है, 99 रुपीज, यानी ये मान लीजिए कि ये 300 रुपये के 3 है, ठीक है। और उसके बाद एक ये मैं लेकर आई हूँ, ये किसका है, मिस केयर मार्स का है ये लाइनर है, आई थिंक हाँ ये मार्स का लाइनर है, और इसकी प्राइस क्या है, ये है 190 रुपये की। और उसके बाद लेकर आई हूँ ये आईलाइनर है, लेकिन मैं एक नहीं लाई हूँ, बहुत सारी लाई हूँ, एक दो तो मैं ये वाली लेकर आई हूँ, ये मुझे मिली है 100 रुपीज़ की 2, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती जाऊँगी। और ये कुछ है ना हेयर की एसेसरीज, यानी पिन वगैरह जो होती है ना वो है, और ये मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये 190 रुपये का है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। लाई तो बड़े मन से हो, लेकिन मैं इनको पहन नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे ना रैसेस हो जाते हैं नकली चीज़ों से, इतनी गोल्ड पहनने की आदत पड़ गई है इनकी, नकली चीज़ें मुझे जचती ही नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सा दिखा देती हूँ, ब्रेसलेट, यस, और ये 190 रुपये का है, बहुत ही प्रीटी है। साड़ी पहनो, जींस पहनो, सूट पहनो, आप जैसे भी कपड़े वेयर करोगे ना ये सबके साथ जाने वाला है, और मुझे है ना ये बहुत ही प्यारा लगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम क्लासी लुक आ रहा है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं पहनना, शादी से पहले मैं बहुत पहनती थी, शादी के बाद सारे शौक आधे हो गए। और उसके बाद क्या है, ये जूड़ा पिन, क्योंकि मुझे ना जूड़े पिन बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं सारे दिन जूड़ा ही लगा के रखती हूँ, तो मैं बड़ा वाला पैकेट लेकर आ गई। और ये पैकेट है ना मुझे कितने का पड़ा, इसमें प्राइस मेंशन नहीं है, मुझे नहीं पता ये कितने का पड़ा क्योंकि मैं भूल गई हूँ, तो इसके बारे में बाद में करेंगे। उसके बाद है ना एक ये लेकर आई हूँ, इसकी प्राइस है 140 रुपीज़, और ये सारी चीज़ें ना मैंने लोकल मार्केट से लिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने लिए कुछ खरीदूं, बहुत दिन हो गए कुछ खरीदा नहीं था, तो ये इस तरह का है, देखो बहुत मेरे पास है ना, ऐसा पहले गोल्ड का था जो कि मेरा टूट गया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हम गोल्ड पहन के नहीं जा सकते, जैसे शॉपिंग करने हम जाते हैं मार्केट में जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ के लिए मैं इन चीज़ों को लाई हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत पड़ चुकी है कि मैं गले में कुछ ना पहनूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं लेकर आई। और ये 140 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। मैं लेकर आई हूँ दूसरा एक ये ग्लिटर वाला आई पैलेट लेकर आई हूँ, क्योंकि है ना उस दिन जो वीडियो मैंने मेकअप शेयर किया था ना ग्लिटर आई का, वो मैंने इसी में से शूट किया था, बहुत ही अच्छा है ये। और ये ना 200 का है, वैसे उन्होंने 250 बोला था लेकिन मुझे 200 में उन्होंने दे दिया, सो एक ये मैं लेकर आई हूँ। और इसके बाद है ना दिखाती हूँ मैं आपको, एक मैं लेकर आई हूँ ये, तो ये रहा इसका कवर। सो ये ना लोकल ब्रांड है, आई थिंक लेयोन ब्यूटी यूएसए का है कुछ, लेकिन इसके ना ये जो शेड है ना ये बहुत ही अच्छे हैं, पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने 2 मेकअप इससे क्रिएट किए, बहुत ही अच्छा मेकअप मेरा हुआ था, आई मेकअप। सो कभी कभी लगता है कि लोकल चीज़ें भी है ना
वो अच्छी होती है, क्योंकि देखो रेवोल्यूशन का मैंने लिया ही है, बट ये मैंने एक बार ट्राई किया कि चलो वीडियो बनाने के लिए ट्राई करते हैं। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड मैं इनको इसको खरीद के ना काफ़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा आई मेकअप क्रिएट हो जाता है और ये काफ़ी सारे इसके अंदर कलर मिलते हैं, देख सकते हैं लाइट डार्क, और इसके अंदर ये जो सिमरी कलर जो होते हैं ना ये भी आपको अलग अलग दिख जाएंगे, गोल्डन में सिमरी यानी हर कलर में आपको सिमरी कलर एंड मैट कलर सारे अवेलेबल है। सो मुझे ये अच्छा लगा और इसकी प्राइस भी कोई कम नहीं है, ये 500 रुपीज का है एक, इसका तो मुझे याद है ये 500 का है और यस इसकी प्राइस में लिखी भी होगी, दिखाती हूँ। वैसे तो इसकी प्राइस है ना यहाँ पे 2000 लिखी हुई है, बट वहाँ पे सेल चल रहा था ना तो मुझे ये 500 का मिला, और देखिए झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए इसकी प्राइस 1999 की है, यानी 1999 रुपये की है, 2000 लिखी है लेकिन ये मुझे 500 में मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, यूँ एक ही लिप ग्लॉस लेकर आई हूँ मैं ये, और ये किसी भी लिपस्टिक के ऊपर आप लगा दोगे ना तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। दूसरा मैं लेकर आई हूँ ब्लू हेवन का एक ये काजल है, तो ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का एक भी काजल नहीं था, क्योंकि मैं कभी काजल लगाती नहीं हूँ, बस मुझे वीडियो बनाने के लिए ही काजल चाहिए, अदरवाइज मैं काजल कभी नहीं लगाती क्योंकि मेरी आंखों में सूट नहीं करता। और उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ होडा ब्यूटी का एक ये हाइलाइटर है, और उसके बाद मैं लेकर आई हूँ स्विस ब्यूटी का ये वो लूज पाउडर है, ये बनाना शेड का है, और इससे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी शूट कर ली हैं, आप लोगों ने मेरी मेकअप वीडियो में इसको देखा भी होगा, देखिए। और इसके साथ है ना इस तरह से ये मिलता है स्पंज, जब हम वीडियो शूट करते हैं ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसको फिंगर में पहन के हम आई मेकअप कर सकते हैं, तो ये भी मिलता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद है ना ये तो मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, मुझे इसके लिए कॉमेंट भी आया था कि दी आपने ये जो लेंस मंगाए हैं ये आपने कितने के मंगाए, कहाँ से मंगाए, और इसको कैसे वेयर करना है, और कितने दिन में ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने मंगाए हैं अमेजोन से, और ये मुझे पड़े हैं शायद इसकी एक की प्राइस है 200 रुपीज़, वैसे 200 में पेयर भी आती है, बट मैंने ये 200 के एक मंगाया है, और इसके साथ में मुझे ये डब्बी मिलती है, और इसके साथ में मुझे इसका ये जो पानी आता है ना जो, वो भी मुझे मिला है, इसको रियल भाषा में क्या कहते हैं इसकी भाषा में मुझे पता नहीं है, सो ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको ये आप ये एक महीने तक वेयर कर सकते हैं, और वैसे भी मैं तो केवल वीडियो बनाने के लिए ही इनको वेयर करती हूँ, उसके बाद मैं इनको निकाल देती हूँ, और निकालने के बाद आपको इस डब्बी में रखना होता है और इस जेल का यूज़ करना पड़ता है। सो आप इसे एक महीने के अंदर पहन सकते हैं, उसके बाद आप इनको फेंक देंगे क्योंकि उसके बाद ये किसी भी यूज़ में नहीं आएंगे, इनकी जो लाइफ टाइम है ना वो एक महीने तक का ही है, और इसकी प्राइस है 250 रुपये पर पीस है शायद, ये मुझे पक्का ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा मुझे, पर 250 या 200 के बीच में ही है। तो एक ये है, और उसके बाद मैंने क्या मंगाया है मैं दिखा देती हूँ उनको, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई है ना, मुझे खुद ध्यान नहीं रहती कि मैंने क्या क्या मंगाई, ये तो मुझे आज ही रिसीव हुई है, ये मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन, देखिए ये मैंने फिर से लेंस मंगाए हैं दो, और ये आज ही मुझे रिसीव हुए हैं, इसके साथ में भी मुझे ये जेल मिलता है ये दो, तो ये है ना ब्लू कलर के, देखो ये ब्लू कलर का है, और ये वाला जो है ना ये ग्रे कलर का है, और इनकी जो लाइफ टाइम है ना ये है 2 मंथ की, 2 महीने इसको मैं पहन सकती हूँ, उसके बाद मैं इनको फेंक दूंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी मंगाया है, देखो ये मैंने मंगाए हैं अमेजोन से, और इसके साथ में ना देखिए ये मैंने मंगाई है फेक लैसेस, ठीक है, और इसके साथ में मुझे ये ग्लू भी मिलता है, तो ये लैसेस मेरी आई है 500 रुपीज़ की, ये 3 पेयर मुझे मिलती हैं, और तीनों की जो साइज़ है ना वो डिफरेंट है बिल्कुल, और तीनों का जो पैटर्न है ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये लाइट है, ये बहुत डार्क है, और ये मीडियम है, तीनों के जो इंच है ना वो सारी है ना आपको अमेजोन की साइट पे आप देखोगे तो मेंशन की होगी, और ये 500 की मुझे 3 पेयर मिली है। उसके साथ साथ मैंने मंगाई है एक ये ल्यूमी क्रीम जो होती है ना वो मेकअप करने से पहले के लिए, तो इसको मैं फटाफट से ना ओपन 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 कर लेती हूँ, बताए बड़ी दिल थाम के इसको इतने दिनों से रखी थी, सॉरी सुबह से रखी थी कि पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी उसके बाद ही मैं यूज़ करूंगी। तो ये है लैक्मे की ल्यूमी क्रीम जिसे हम मेकअप से पहले लगाएंगे और हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा और ग्लो करेगा। तो इसकी जो प्राइस है ना वो आई थिंक है 400 रुपीज़ जैसा कुछ है,
इसमें इसकी प्राइस मेंशन नहीं की है, हाँ 299 लिखा हुआ है। फिर मुझे अगर इनकी तो लिंक है ना मेरे पास है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिस जिस चीज़ की लिंक मेरे पास है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। और ये कितने ml की है, ये 30 ग्राम की है, ठीक है। एक ये रही, और इसके बाद मैंने और क्या क्या मंगाया है, क्या क्या मंगाया है, यस मैंने लिए हैं ये नेकलेस, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। एक ये लेकर आई हूँ मैं, और एक ये लिए मैं हमारे लोकल मार्केट से लाई हूँ। अभी डिसाइड नहीं है कि मैं इन दोनों में से कौन सा वाला रखूंगी, तो आप बताइए कि मैं कौन सा रखूँ, ये वाला या ये वाला, देखते हैं जो अच्छा लगेगा वो रखूंगी, और नहीं अच्छा लगा तो मैं एक भी नहीं रखूंगी। और मैंने अभी इनकी प्राइस भी नहीं पूछी है कि कितने के हैं, सो पता नहीं कितने के होंगे। मैं तो जो पसंद आता है ना हमारी लोकल मार्केट से यहीं कस्बे से वो ले आती हूँ और कह देती हूँ, बाद में देखूंगी जब अच्छा लगेगा तब दूंगी। तो ये होता है छोटी मार्केट में रहने का फायदा, क्योंकि यहाँ पर हमको सब जानते हैं और जो मर्जी है वो हम लेकर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखा दी, यस तो यही थी मेरी शॉपिंग, और अगर कुछ नया लेकर आऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी, ठीक है। सो ये तो बेटा पुराना है, तो मोलू मुझे हेल्प कर रहा है, मम्मी ये भी दे दो। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग कॉमेंट करके बताना, क्योंकि कभी कभी ना खुद के लिए भी जीना चाहिए, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मोलू को भूख लग रही है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी तो मुझे बताना कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। और लेंस के लिए मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो आई होप मैंने आपके डाउट है ना वो क्लियर कर दिए होंगे। तो ठीक है ना यार, 200-250 में क्या जा रहा है, लेकिन इन लेंस को आप पूरे दिन वेयर करके ना रखें, क्योंकि ये इतने ज़्यादा है ना आपकी आँखों के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से, क्योंकि जीरो मैंने पढ़ा था उसके बारे में, अब मुझे ध्यान नहीं है कि ज़्यादा देर तक वेयर नहीं करना है अगर आपको चश्मे वगैरह है तो। मैं तो जस्ट वीडियो बनाती हूँ, 10 मिनट पहनती हूँ फिर निकाल देती हूँ। सो ये थी मेरी शॉपिंग, लेकिन इस शॉपिंग में ना मेरा काफ़ी बजट चला गया है, देखिए इतनी सारी शॉपिंग हुई है, जो आपको दिखाई ना वो इतनी सारी शॉपिंग थी मेरी। सो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं तो मालामाल हो गई। चलिए तो अब मिलते हैं कल, और सारी शॉपिंग को उठा के रख देते हैं। और ये ब्रेसलेट मैंने पहन लिया, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है हाथ में मेरे, मुझे ना ऐसी चीज़ें पहनने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाय बाय।